पार्ट आ गया। ये क्या होगा तुम्हारा, इस टाइप में सोचना था यहाँ पे। बाकी इंपॉर्टेंट फीचर मैं सारे फीचर को रिवाइज नहीं करा रहा हूँ। इसका हिस्ट्रियो केमिस्ट्री रेस्टो मिक्सर आ रहा था, रिटेंशन इन्वर्जन 50-50 रहा था वहां पे। स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता कि दोनों में से कुछ भी अमाउंट में ज्यादा कौन सा हो, इन्वर्जन स्लाइटली ज्यादा होता है वहां पे। तो लास्ट कौन सा प्रॉपर्टी वो लिख रहे थे वहां पे, वो बताओ तुम लोग। लास्ट प्रॉपर्टीज क्या था उसका, रिएक्टिविटी। जो रिएक्टिविटी में देख रहे थे उसमें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, तो ठीक है। और उसका मैंने एक एग्जांपल भी कराया होगा तुम लोगों को वहां पे, और वो एग्जांपल आ रहा था कि 3 डिग्री कार्बोक्टेन अगर फॉर्म हो रहा है तो वो मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। वो फर्स्ट एग्जाम्पल था, सेकेंड एग्जाम्पल उसी में कंटिन्यू करना है। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, CH2Cl। अब देखोगे जब भी क्वेश्चन आता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन, उसमें क्या सोचोगे। मैंने एक पॉइंट जो लिखाया था कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। ये पॉइंट याद रखना है कि जो इस कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल बनेगा उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाइनली आर प्लस बनता था जितना इजिली बन पाए उसका रेट उतना ही ज्यादा रहेगा। यहाँ पे क्या हो, CH2Cl, इन दोनों में रेट किसका ज्यादा होगा यहाँ पे, SN1 रेट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, सब लोग बताओ इसमें ऑर्डर क्या आएगा यहाँ पे। तो ठीक है सब सही आ रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। CHCl, CH2Cl, CH2 डबल बॉन्ड, CH2Cl, इसमें SN1 का रेट क्या रहेगा, ऑर्डर वो बताना इसमें। सही, सब लोगों का सही है। 1 2 1 क्या रहेगा सबसे ज्यादा, SN1 रेट जो रहेगा इसमें तुम्हारा वो क्या रहता है, 1 का ज्यादा। रीजन सिंपल सा, इसमें क्या करते हैं लिविंग ग्रुप को बाहर करते हैं सीएल माइनस को, यहाँ पे कार्बोकेटाइन मैं डिफरेंट कलर से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, वो सेपरेटली इसको सीएल को बाहर करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। तो जैसे सीएल माइनस यहाँ से बाहर जाएगा इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और मोर स्टेबल यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन, दैट मीन्स फर्स्ट मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो फर्स्ट का ही रेट ज्यादा रहेगा। सेकंड वाले में बताओ, स्नेहा रोहित प्रिया सही आ रहा है इसमें सब लोगों का, बाकी लोग भी ट्राई करो क्या होगा। एक और मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये थर्ड था, ये फोर्थ आ जाता तुम्हारा इसमें। सीएल इसलिए ऑप्शन एटम है यहाँ पे, सीएल सही है सब लोगों का, बाकी लोगों का भी सही आ रहा है। स्नेहल सलोनी रुद्राक्ष सबका सही आ रहा है, ऑर्डर क्या रहेगा उसमें, 1 2 3। SN1 रेट का ऑर्डर क्या रहता है यहाँ पे, 1 2 3 थर्ड का। रीजन क्या होगा इसमें सुन लोगे ध्यान से, सीएल माइनस बाहर जाता है यहाँ से, नो अलग से दिखा सकते थे, जैसे सीएल माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज,
ये सी एल माइनस बाहर जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये सी एल माइनस बाहर जाता तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बन रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, दोनों बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है वहां पे, और दोनों बेंजीनिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है अगर उसका रेट सबसे ज्यादा। यहाँ पे सिर्फ एक ही बेंजीनिंग के साथ दैट मीन्स नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें ज्यादा बनेगा फर्स्ट में, और सेकंड में क्या होगा इसमें भी रेजोनेंस हो रहा है तो सेकंड थर्ड में कैसे कंपेयर करते हैं, इसमें एक ही पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, बेंजीनिंग के तीनों पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा था। तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट में, देन सेकंड, देन थर्ड, ऑर्डर क्या आता है यहाँ पे 1 2 3। लास्ट वाला एक अच्छा क्वेश्चन है उसको सोच के बताना है वहां पर। वन थ्री टू फोर नहीं, टू वन थ्री फोर नहीं, रोहित 1 2 3 4, चलो देख मैं बताता हूँ यहाँ पे। मैं पहले कार्बोकेटाइन ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे, है अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, काम वही करना है, कार्बोकेटाइन ही फॉर्मेशन करना है वहां पे। नहीं, 4 3 2 1 भी नहीं आएगा। चलो देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुनोगे। इसमें इसमें करना क्या है, सी एल माइनस को बाहर करोगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ध्यान से देखना है। ये सी एल माइनस मैं मान के चलूंगा, ये सी एल माइनस बाहर जा चुका है, मैं डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज दिखा देता हूँ। ये सी एल माइनस बाहर गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये सी एल माइनस बाहर गया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसमें देखना कि कहीं पे ये तो बाहर ही चला गया, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है वो तो किस केस में सबसे ज्यादा स्टेबल। अगर एक ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता SN1 रेट मैक्सिमम किस में, यहाँ पे चारों ऑप्शन में 1 2 3 4 में मैक्सिमम किस में होगा वो सोचना है तुम्हें। 1, उतना सही है तुम लोगों का। SN1 रेट सबसे ज्यादा किसका होगा, 1, वो तो क्लियर हो गया। क्यों 1, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज बन रहा है इस ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ऐसे हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विथ लोन पेयर, क्लियर है। इसीलिए मैं पूरा GOC पूरा चिल्लाते रहा कि कर लो अच्छे से GOC 1 2, आगे बहुत यूज आना है उसका। अब जिनको अगर यही पॉइंट पता नहीं है कि रेजोनेंस क्या कंडीशन क्या क्या है तो फिर यहाँ पे बहुत मुश्किल होने वाला, बट उसको थोड़ा बहुत अगर भूल तो जाकर के रिवाइज करोगे। यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस हो पा रहा है, पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट विद लोन पेयर, तो फर्स्ट में रेजोनेंस होने के चलते सबसे ज्यादा रेट किसका रहेगा, फर्स्ट का। अब बाकी केस में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अब देखना कि इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में अगर ये ऑप्शन रेजोनेंस में नहीं आ रहा है ये तो बाहर ही चला गया, इसको सोचना ही नहीं है, पॉजिटिव चार्ज बनाया हुआ है यहाँ पे। अब इस पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ये ऑक्सीजन कौन सा इफेक्ट लगाएगा बताओ कोई एक, क्योंकि ये रेजोनेंस में तो है नहीं, और जब ये पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में ऑक्सीजन रेजोनेंस नहीं लगा रहा थी, ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा फिर। प्लस एम और प्लस एम की या प्लस आई, प्लस आई देखना यहाँ पे, और कुछ लोग प्लस एम, तो प्लस एम क्या होता है, मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट। तो प्लस एम की बात हम लोग तभी करते हैं जब वो रेजोनेंस में हो, हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन एटम है प्लस एम की तरह काम कर रहा है, दैट मीन रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पे। बट सेकेंड वाले में जो आ रहा है यहाँ पे है ऑक्सीजन, ये तो रेजोनेंस में आई नहीं, प्लस आई कभी भी नहीं करता है वो, ऑक्सीजन कभी भी प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता है। कंडीशन क्या था प्लस आई और माइनस आई का, कि अगर sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम कोई है, sp3 कार्बन से मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, उससे ज्यादा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आ रहा है दैट मीन्स वो माइनस आई। ये तुम्हारा sp3 कार्बन, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू 2.5, ऑक्सीजन का 3.5। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आ रहा है इस पॉजिटिव चार्ज के लिए माइनस आई की तरह काम करेगा, ये ऑक्सीजन एटम कभी भी प्लस आई नहीं लगाता है अगर न्यूट्रल है वहां पे, वो माइनस रहता देन प्लस आई, यहाँ पे सिंपली ऑक्सीजन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू इस कार्बन से ज्यादा थी, क्या लगाएगा माइनस आई,
और यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन है ये भी क्या लगाएगा यहाँ पे माइनस आई, तो ये दोनों ऑक्सीजन एटम पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में माइनस आई क्योंकि कंजुगेशन में नहीं आ रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे आप देखना है तो ये दोनों टू एंड थ्री में माइनस आई लग रहा है जो कि इस कार्बोकेटाइन को डिस्टलाइज ही करेगा, जबकि फोर्थ में कोई भी माइनस आई या माइनस एन ग्रुप नहीं लगा हुआ है, डिस्टलाइजिंग फैक्टर नहीं है फोर्थ में। तो वन के बाद जो रेट होगा तुम्हारा फोर, टू थ्री में सोच के बताओ कि टू थ्री में रेट किसका ज्यादा। अब सही आ रहा है सलोनी, यहाँ थ्री का रेट ज्यादा होगा, अब सबका सही है उसमें। थ्री का रेट क्यों ज्यादा, क्योंकि ये माइनस आई जो आ रहा है दूर आ रहा है इस कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और दूर जा रहा है तो इसका इफेक्ट कम लगेगा, यहाँ पे ये ज्यादा इफेक्ट लगाएगा माइनस आई, और नजदीक होने के चलते ज्यादा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, दैट मीन्स ये ज्यादा डिस्टलाइज करेगा इसको, तो रेट क्या होगा थ्री का ज्यादा होगा। फोर का तो ज्यादा रहेगा क्योंकि फोर में कोई माइनस आई नहीं लग रहा है, कोई डिस्टलाइजिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे। इवन ये सेम क्वेश्चन मैंने जीओसी टू में कराया गया कराया होगा, जाकर के देखोगे जहाँ पे मुझे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे इस कार्बोकेटाइन का, जो भी सीरियल नंबर होगा उतना तो मुझे याद नहीं है, बट 7 8 9 को क्वेश्चन के अराउंड को होगा वहां पे, ये सेम क्वेश्चन वहां पे कराया गया है जीओसी टू में, एक बार रिवाइज जाके करोगे वहां पे। लॉजिक मैंने यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे इसको सोचना था। तो ठीक है, इसी में से कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो रेट ऑफ SN1 तो कार्बोकेटाइन फॉर्म जहाँ पे हो गया है तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करना था और उसके बाद फिर स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर चुके हो यहाँ तक, नेक्स्ट है इसमें। तो OCH3 इस चारों में रेट क्या रहेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ SN1। यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है Cl क्लोरीन हेलोजन जो है वो Cl माइनस के फॉर्म में बाहर जाता और हर एक पे यहाँ पे कार्बोकेटाइन डेवलप होता, वो खुद से सोचो वहां पर, टू फोर वन थ्री टू फोर वन थ्री सही है ये सब लोगों का, बाकी लोग भी ट्राई करो, सही है इसमें। तो ठीक है, इतना तो लॉजिक क्लियर है। अब यहाँ पे इसमें क्या हो, जैसे Cl माइनस बाहर जाता है यहाँ से और एग्जाम में जब आता है सोचने का यही तरीका है इसमें, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज Cl माइनस जैसे बाहर जा रहा है। टू फोर वन थ्री इसमें क्या सोचते हैं, यहाँ पे थी OCH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा, प्लस एम लोन पेयर आ रहा है, CN सी ट्रिपल बॉन्ड है मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, माइनस एम CH3 प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन, ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को, प्लस एम है सेकंड का रेट सबसे ज्यादा, देन यहाँ पर भी प्लस आई एंड हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है इसको, टू के बाद फोर फोर के बाद वन और ये तो डिस्टलाइज ही करेगा माइनस एम से, ये सबसे लास्ट में, क्लियर है यहाँ पे है, इस तरीके से सोचना था इसको। आई थिंक जो भी क्वेश्चन अगर आता है अब यहाँ पे उसको सोच पाओगे, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पे, कुछ भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है उसको सोच पाओगे वहां पे। तो एक लास्ट एग्जाम्पल और कर लेना यहाँ पे है, एक मिनट इसको देख लो, इस टाइप से
CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br CH2 Br CH2 डबल बॉन्ड CHBr। इसमें 1 2 3 में ऑर्डर क्या आएगा तुम्हारा, 1 2 3 रेट ऑफ SN1 काफी आसान सा है। बताओ बाकी लोग भी बताओ इसमें। सही है सब लोगों का। ये ऑर्डर क्या आता है इसमें, 1 2 3। इसमें क्या होगा, इसमें जो कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे दो डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, दैट मीन्स वन का रेट सबसे ज्यादा, सेकंड में भी रेजोनेंस होगा एक पाई बॉन्ड के साथ 2, और थर्ड में, थर्ड जो आ रहा है यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ बी आर कनेक्टेड है यहाँ पे। यहाँ पे SN1 होता ही नहीं है। क्यों SN1 नहीं होता यहाँ पे है, इसका रीजन ध्यान से सुन लोगे। यहाँ पे इसमें SN1 नहीं होने का रीजन ये है, इसमें जो ब्रोमीन का वैसे ये माइनस आई लगाता है, बट कुछ अमाउंट में ये रेजोनेंस भी कर पाएगा इस पाई बॉन्ड के साथ, और जब इसके साथ यहाँ पे रेजोनेंस में रहता है ब्रोमीन का लोन पेयर, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है इस केस में, यहाँ पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है यहाँ पे ड्यू टू रेजोनेंस पाई बॉन्ड कैरेक्टर, पाई बॉन्ड कैरेक्टर ही डेवलप। और जब पाई बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है वहां पे, ये बी आर माइनस यहां से बाहर जाता ही नहीं है, और जब बी आर माइनस बाहर जाएगा ही नहीं, SN1 रिएक्शन होगा ही नहीं, फिर भी दे रखा है तो उसको यहाँ पे लास्ट में रख सकते हैं यहाँ पे। या दूसरे तरीके से अगर सोच रहे हो कि बी आर माइनस बाहर जाता तो डबल बाउंडेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि हाईली अनस्टेबल, और उसका रीजन क्या, वो फॉर्म ही नहीं होता वैसा कंपाउंड। एक्चुअल रीजन यहाँ पे ये है SN1 नहीं होने का, कि ये बी आर माइनस एज ए लिविंग ग्रुप बाहर जाता ही नहीं है। क्यों बाहर नहीं जा रहा है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, और जब डबल बॉन्ड आके डेवलप हो गया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ये फिर ब्रेक ही नहीं हो पाता है। इसको भी यहाँ पे याद रखना है कि जहाँ कहीं भी इस टाइप से हो, सुनो क्या बोलेंगे, विनाइल ब्रोमाइड। इसका नेम भी क्या यहाँ पे, विनाइल ब्रोमाइड। तो विनाइल ब्रोमाइड जो आ रहा है ये यहाँ पे सो ही नहीं करता SN1, रीजन ये याद रखना है यहाँ पे। उसको कॉपी करो, एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पे, बाकी जो भी क्वेश्चन आएगा। बट एक बार कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट को जरूर रीअरेंजमेंट को भी, और उसका एसिडिटी ऑर्डर भी रिवाइज करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो नोट कर चुके हो गए, एक क्वेश्चन में यहीं पे और ले लो। रेट ऑफ SN1 ही बताना है यहाँ पर भी। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन इस टाइप से कुछ अगर आ रहा हो, इसमें CH2I इसको हटा दो यहाँ पे, उस हिस्ट्री को CH2Br CH2Cl CH2F
सीएली रहने दो यहाँ पे है, और इस केस में यहाँ पे कोई भी ग्रुप अगर ऐड कर दिया जाए लाइक NO2, इसमें रेट क्या, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन क्या रहेगा उसका ऑर्डर, SN1 रेट अब यहाँ पे सोचना है कि जो 1 2 3 आ रहा है ये तो सेम ही है, तो इसमें डिफरेंट क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप यहाँ पे डिफर कर रहा है IBRCL, तो पहले इस तीन में कंपेयर करो यहाँ पे 1 2 3 में, तो जो इम्पोर्टेंट फीचर में सेकंड सेकंड लास्ट प्रॉपर्टीज पढ़े थे, जो ये तो लास्ट प्रॉपर्टीज का हम लोग सारा एग्जाम्पल कर रहे हैं, इससे पहले का जो एक एग्जाम्पल था कि ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप के बेसिस पे उसका रेट, सही है रोहित, सही है, बाकी लोग भी ट्राई करो, बाकी लोगों का करेक्ट नहीं आ रहा है अभी उसमें, सही है समीक्षा, सही है उसमें स्नेहा, सही आ रहा है रुद्राक्ष, सही है नहीं 3 2 1 4 तो नहीं है उसमें, सही है प्रिया, देखते हैं यहाँ पे क्या रहेगा इस केस में। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 2 3 में मैंने बता चेक करने के लिए बोला हुआ है, 1 2 3 में चेक करोगे यहाँ पे, यहाँ पे सीएल माइनस जाएगा, बाकी सब कुछ तो सेम ही है, यहाँ से बीआर माइनस और आई माइनस, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसका ज्यादा होता है, आई माइनस का, हम लोग क्लास में कर चुके हैं, पहले भी किए थे और पिछले लेक्चर में भी SN1 के टाइम में किए हुए थे, यहाँ से आई माइनस बाहर जाएगा, बीआर माइनस सीएल माइनस, तो बाहर जाने के बाद जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, तो आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज, लार्जर साइज एटम पे नेगेटिव चार्ज, तो वो मोर स्टेबल, और वो अगर मोर स्टेबल आ रहा है वहां पे उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, ये इजीली लिख कर पाएगा यहाँ, तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी हम लोग पिछले क्लास में देखोगे उसमें लिखा, वो लिख रखे होंगे आई माइनस आर आई आर बी आर आर सी एल एंड देन आर एफ, अब सही तो वो ऑर्डर क्या रहेगा वहां पे 1 2 3 4, वन का आयोडीन का लिविंग ग्रुप एबिलिटी सबसे ज्यादा, देन 1 2 3, अब 3 और 4 में कंपेयर कर लेते हैं, तो 3 4 में 3 का तो रेट सबसे कम, और 3 4 में ही कंपेयर कर लेंगे तो 4 में एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जो कार्बोकेटाइन बनेगा थर्ड से लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन 4 में बनेगा, क्योंकि 4th कार्बोकेटाइन को NO2 माइनस M से डिसल्यूशन ही मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा 1 2 3 4, क्लियर है सबको यहाँ पे है, ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे भी सोचना था कि बाकी फैक्टर अगर सेम आ रहा है, तो अगर हैलोजन ही वेरी कराया जा रहा है उसमें जो बेटर लिविंग ग्रुप है उसका रेट ज्यादा होता है वहां पे, क्लियर है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तब उसको सोच सकते हो वहां पे, क्वेश्चन का जो वेरिएशन है तुम्हारा या तो लिविंग ग्रुप तो वेरी करा सकता है, या फिर जो हम लोग एग्जाम्पल पीछे देख रहे थे कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन उससे देखना है, जनरली एक ये क्वेश्चन में कभी कभी मिक्स कर दिया जाता है कि कार्बोकेटाइन सेम ही बन रहा है, तो वहां पे लिविंग ग्रुप एबिलिटी के बेसिस पे सोचना था वहां पे, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें, यहाँ पे आई थिंक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको कर सकते हो, एक दो रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, कर ले कॉपी कर ले सब लोग यहां तक, तो ऑर्गेनिक के लेक्चर में जितना ज्यादा तुम कंसंट्रेट होकर लेक्चर में लेक्चर अटेंड करोगे, क्योंकि बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है ये, कहीं से भी कुछ रटने वाला पार्ट नहीं है, और जितना ज्यादा तुम कंसंट्रेट रहते हो क्लास में उतना तुम्हें ज्यादा ये चीजों को ग्रेस्प कर पाओगे, क्लियर हो पाएगा चीजें यहाँ पे, तो ठीक है आगे बढ़ते हम लोग फिर इसमें, इसका एक रिएक्शन देखना है यहाँ पे हम लोगों का, इसका जो रिएक्शन पूछा जाता है यहाँ पे किस टाइप का रहेगा,
एग्जाम्पल फर्स्ट CH3 CH CH3 CL। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये देखोगे SN1 के केस में जो न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूँ वो कैसा न्यूक्लियोफाइल हो, स्ट्रॉन्ग या वीक? वीक न्यूक्लियोफाइल। और मैंने इसका लॉजिक भी बताया था कि SN1 के केस में क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। अब यहाँ पे उल्टा सोचना है तुम्हें, वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन कौन सा न्यूक्लियोफाइल था जो कि न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था? वीक न्यूक्लियोफाइल में जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल था वो जनरली वीक के कैटेगरी में रहता जो भी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, और न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, अमाइन, ये सब क्या था वहां पे तुम्हारा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे जब दे दिया जाए H2O और इसमें सॉल्वेंट कैसा यूज करते थे SN1 में, पटी देखो SN1 में सॉल्वेंट कैसा यूज कर रहे थे? पोलर प्रोटिक, नॉट अप्रोटिक, वो क्या था? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में उसका भी मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ था पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का, कि वाटर, अल्कोहल, एसिड, जो भी, दैट मींस हाइड्रोजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड हो, वो क्या था वहां पे? पोलर प्रोटिक। तो जो वाटर है ये खुद न्यूक्लियोफाइल भी है, विक न्यूक्लियोफाइल भी है, और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, क्लियर है? अब यहाँ पे उल्टा सोचना है तो रिएक्शन कंडीशन को देख करके तुम्हें पता करना पड़ेगा वो SN1 रिएक्शन हो रहा है या कुछ और हो रहा है। अभी तुमने सिर्फ SN1 पढ़े हैं, यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन जो है वो SN1 का। बोलो सर ये आपने कैसे पता किया? न्यूक्लियोफाइल का नेचर देख करके, न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल जो भी रहेगा वो वीक के कैटेगरी में, खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, दैट मीन्स क्या होना यहाँ पे SN1। और जब SN1 होगा तो पहला स्टेप क्या करोगे इसमें, ये बॉन्ड इसके प्रेजेंस में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये डिसोसिएट हो जाता है इजीली, और जैसे ये डिसोसिएट हो गया यहाँ पे ये क्या बन जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और जैसे पॉजिटिव चार्ज बना वहाँ पे सीआर माइनस तो बाहर चला गया। अब जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है वही आकर के अटैक कर देगा यहाँ पे, और जैसे आकर के अटैक करेगा तो CH3 CH CH3 कोई रीअरेंजमेंट होगा नहीं यहाँ पे, इससे ज्यादा स्टेबल बन नहीं सकता है, यहीं पे O H H और ऑक्सीजन अपना एक लोन पे डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है? और जैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, अब क्या करोगे? अगर ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये H और H, तो लास्ट स्टेप यहाँ पे डिप्रोटोनेशन होता है, एक H प्लस बाहर जाएगा, और उस H प्लस को बाहर कौन करता है यहाँ पे? जो Cl माइनस यहाँ से बाहर जा रहा था यही Cl माइनस इसके एक H प्लस को बाहर करेगा, और जैसे H प्लस को बाहर कर रहा है इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इस बॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऑक्सीजन जो है चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है, CH3 CH CH3 और ये OH। तो ये जब भी वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल है तो वाटर जब अटैक करता है तो वो OH ही ऐड होगा, जैसे कि लोग पीछे भी कर रहे थे, तो यहाँ पे लास्ट स्टेप ये डिप्रोटोनेशन हो जाता है, हमेशा H प्लस बाहर चला जाएगा और ये Cl माइनस वो काम कर रहा है यहाँ पर, और ये क्या बन जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल, क्लियर है यहाँ पे है? बस एक एग्जांपल और कर लोगे यहाँ पे, बाकी निष्कर्ष में कंटिन्यू करेंगे इसको। CH3 CH CH3 CH2 Cl, और यहाँ पे तुम्हें वाटर दिया गया है, अब वाटर या कुछ भी ले लो यहाँ पे, ऐसा नहीं कि वाटर ही है, CH3OH आ जाए, मिथाइल अल्कोहल। अब तुम्हें क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा कि SN1 कराना है क्या कराना है, क्वेश्चन तुम्हें कंडीशन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे रिएजेंट क्या दिया गया है, CH3OH जो कि एक न्यूक्लियोफाइल भी है, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट भी एक है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दैट मीन्स ये SN1 ही होगा, बाकी सोचो क्या रहेगा इसमें फाइनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम क्या रहेगा बस वो बता दो इसमें। और जैसे पता चल गया कि SN1 कराना है तो लिविंग ग्रुप पहले बाहर जाता है, कार्बोकेट एंड फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट अगर हो पा रहा है, पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट कराएंगे, देन CH3O का वो आकर का टेक करेगा ऑप्शन का लोन पेयर,
नहीं, अब देखना यहाँ पे अल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, इस केस में अल्कोहल नहीं फॉर्म होता यहाँ पे, क्योंकि एच प्लस डिपोर्टनेट होगा ये जब आकर के अटैक करे, एच तो यहाँ से बाहर चला जाएगा। CH3, CH, CH3 पहला स्टेप तो ये सब लोग कर लिए होगे, Cl माइनस बाहर करोगे, CH2 पॉजिटिव चार्ज, रीअरेंजमेंट होगा या नहीं? होगा, होगा नहीं, नेम सही नहीं आ रहा है, नेम में बताता हूँ क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, और रीअरेंजमेंट होगा तो ये 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, अच्छा यहाँ पे पहले हाइड्राइड शिफ्ट इजली हो जाता है, तो ये अब यहाँ पे टर्शरी कार्बो कैटायन बन गए। अब क्या होता है यहाँ पे है, जो CH3OH है तुम्हारा, इसका ऑक्सीजन का लोन पर ये आकर के अटैक करता है यहाँ पे, और जैसे वो आकर के अटैक करेगा यहाँ पे CH3OH, ये CH3 पॉजिटिव चार्ज क्लियर है यहाँ पे है, और लास्ट में क्या होता है डिप्रोटोनेशन, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही ऑक्सीजन का ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज आने से और भी इंक्रीज कर जाता है, CH काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है, और ये डिपोर्टनेट हो जाएगा यहाँ पे, डिपोर्टनेट करेगा कौन यहाँ पे Cl माइनस, जैसे डिपोर्टनेट हो जाएगा यहाँ पे माइनस एच प्लस, ये फाइनल पोर्ट क्या बन जाता तुम्हारा CH3C CH3 CH3 OCH3। नहीं ये अल्कोहल है ही नहीं, ये कौन सा, चलो ये बताओ तुम लोग फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है इसमें, CH3O बीच में एक ऑक्सीजन है, दोनों साइड कार्बन चेन है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, इथर, ये पता होना चाहिए तुम लोगों को। चलो ठीक है, इसलिए तो मैंने नोमेनक्लेचर डाला हुआ है वहां पे, कि नोमेनक्लेचर तो बेसिक आना ही चाहिए, क्योंकि जितना भी हम लोग अभी से रिएक्शन पढ़ेंगे हर जगह यही आएगा, इसका नेम पता हो, फाइनल बोर्ड जो बन रहा है उसका नेम पता हो, क्योंकि ऐसा नहीं कि तुम्हें क्वेश्चन ही दिया रहेगा, मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर हो सकता है उसका नेम दे दिया जाए, इसका जब कॉमन नेमिंग नेम करोगे यहाँ पे, ये क्या है तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल और ये तुम्हारा मिथाइल है, इसका नेम क्या रहता है तुम्हारा टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप और ये मिथाइल, तो टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। आईपीएससी नेम अगर कुछ लोग लिखना चाह रहे हो, इसका जो आईपीएससी नेम होता है तो मैं वो नेम भी बता दूं, अगर वहां पे इसका जो आईपीएससी नेम लिखोगे तो ये 3 कार्बन का मेन चेन इधर से ले सकते थे, ये 1 2 3 और ये पूरा एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, ये क्या होगा 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी, ये क्या है मिथॉक्सी एज आईपीएससी नेम इसका, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, ये भी हम लोग क्लास में ईथर का कर चुके हैं, तो 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन ये इसका आईपीएससी नेम। क्लियर है यहाँ पे, तो इसमें ईथर का प्रिपरेशन हो रहा है, तो ठीक है ये तो नेम तो पता होना चाहिए, बाकी रिएक्शन आसान सा था, रिएक्शन हो सकते थे इस टाइप से, बाकी और रिएक्शन वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको, बट ध्यान रहे कि सैटरडे को हम लोग, क्योंकि डीपीपी डिस्कशन सेकंड स्लॉट जो वैकेंट स्लॉट है उसी में हम लोग करेंगे, उसको सब लोग कर लोगे, क्योंकि जब ये करते हो तो इसमें ऐसा नहीं कि तुम्हारा टेस्ट का ही प्रिपरेशन होगा, हाइड्रोकार्बन अच्छे से रिवाइज हो पाएगा तुम्हारा, तो डीपीपी नंबर स्टार्टिंग का जो हाइड्रोकार्बन का डीपीपी है वो तो करोगे ही 2-3 DPP तक, और फर्स्ट स्लॉट में हम लोग इसी SN1 को कंटिन्यू करेंगे। सेकंड में यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया यहाँ पे, और जैसे रीअरेंजमेंट हो गया तो जो मिथाइल अल्कोहल का ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो आकर के अटैक करता है, तो ऑक्सीजन कनेक्ट हो रहा है इस कार्बन से OCH3, और जो डिपोर्टनेट होता है तो वो कौन सा डिपोर्टनेट होगा तुम्हारा ये एच, ये एच यहाँ से बाहर चला गया, और एच बाहर जाता है ये ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा यहाँ पे, एच प्लस बाहर गया, आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर किया है ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चाहते हो, अब वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो
और बाकी इसका नेमिंग आईपीएससी नोमेनक्लेचर में मैं बता चुका हूँ, तो वहां से जाकर के रिवाइज करोगे एक बार। क्लियर है? मैंने बता भी दिया नेमिंग इस तरीके से याद रखना, यहाँ पे एक कॉमन नेम और ये आईपीएससी नेम इसका। चलो ठीक है, हाँ कृष्णा जी क्या पूछ रहे हो एग्जाम्पल का फर्स्ट पेज, ये मेन रिएक्शन तो यहीं से हम लोग देख रहे थे, बाकी तुम्हें अगर ये देखना हो यहाँ पे है, यहाँ से देख सकते हो इसको, अगर ये नोट नहीं कर पाए तो। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे लिख कर सकते हो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसमें, जो नोट नहीं किया उसको नोट कर लो, बाकी हम लोग सेशन एंड करते हैं यहीं पे। चलो ठीक है, तो ठीक है फिर हम लोग सेशन यहीं पे एंड करते हैं फिर अभी।